बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन शराबबंदी के फायदे और नुकसान पर अब भी गाहे बगाहे जोर शोर से चर्चा चलती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप को एक हद तक राजनीति माना जा सकता है, लेकिन शराबबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाकर इस बहस को केंद्र में ला दिया है कि क्या सचमुच शराबबंदी कानून को लागू कर नीतीश कुमार ने ब्लंडर किया है। एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि शराबबंदी कानून ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज को प्रभावित किया है, क्योंकि कोर्ट शराबबंदी कानून में गिरफ्तार लोगों की जमानत देने में ही बिजी रहती है और दूसरे मामलों की सुनवाई लंबित रह जाती है। दरअसल शराबबंदी कानून में गिरफ्तार लोगों को जमानत मिलने के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया था। इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, क्या आपको मालूम है कि इस शराबबंदी कानून से बिहार के हाई कोर्ट पर कितना असर पड़ा है? इसकी वजह से कोर्ट में मामलों की लिस्टिंग में 1 साल तक लग जा रहा है। सभी अदालतें जमानती मामलों के निपटारे में ही व्यस्त है। यही नहीं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जस्टिस रमना ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का नमूना करार दिया। उन्होंने कहा था, देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लग जाता है, इसके कारण ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। उदाहरण के लिए बिहार में शराबबंदी कानून की शुरुआत के चलते हाईकोर्ट में जमानत के आवेदन की भरमार हो गई है। इसके वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल का समय लग जाता है। चीफ जस्टिस के इन दो बयानों और शराबबंदी को लेकर कार्रवाई को देखें तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि शराबबंदी कानून से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं शराब पीने से होने वाले मौतों की। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2021 में जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये तब हुआ है जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसका सीधा मतलब ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब बेहद आसानी से लोगों को मिल जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो जा रही है। जाहिर बात ये है कि कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस प्रशासन पर है, वो उसका पालन नहीं कर पा रहा है। पिछले 5 सालों में 400 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अकेले पिछले साल शराबबंदी कानून को लेकर 30 पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त, 134 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, 45 के खिलाफ FIR और 17 पुलिस अफसरों को थानाध्यक्ष के पद से हटाया गया। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि शराब माफियाओं के साथ पुलिस की मिलीभगत है। पिछले साल मार्च में मद्य निषेध के SP राकेश कुमार सिन्हा ने सरकारी अफसरों की शराब माफियाओं से मिलीभगत की बात कहकर सभी ज़िलों के SP को पत्र लिखकर जांच करने को कहा था। उनके पत्र पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उनका तबादला ज़रूर हो गया। अब बात करते हैं गिरफ्तारियों की। पिछले साल गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में शराब पीकर हुई मौतों के बाद नीतीश कुमार ने पुलिस को शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने IAS अफसर के पाठक को मद्य निषेध व उत्पाद विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। नीतीश कुमार ने 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू किया था तो के पाठक उत्पाद विभाग में प्रधान सचिव थे। के पाठक के उत्पाद विभाग में लौटते ही पुलिस की कार्रवाई भी तेज़ हो गई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सिर्फ नवंबर में शराबबंदी कानून में 11,084 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो अक्टूबर के मुकाबले 78% अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल शराबबंदी कानून के तहत 66,258 मामले दर्ज किए गए और कुल 82,903 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस साल जनवरी महीने में शराबबंदी कानून के तहत
7461 FIR दर्ज की गई और 9543 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि रोज़ाना औसतन 308 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारी गिरफ्तारियों की वजह से बिहार की जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। बिहार में कुल 59 जेलें हैं और इनकी कुल क्षमता 46,669 कैदियों को रखने की है, लेकिन मैं मीडिया को मिले आंकड़े बताते हैं कि फ़िलहाल 66,307 कैदी इन जेलों में रह रहे हैं, जो क्षमता से 42% अधिक है। इनमें बहुत सारी गिरफ्तारियां ऐसी भी हैं जिनका शराब से कोई लेना देना नहीं है। इनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार की जब भी आलोचना होती है तो वो शराबबंदी कानून का फ़ायदा गिनाने के लिए कुछ आंकड़े उछाल देती है, जैसे कि शराबबंदी कानून ने लोगों के जीवन में खुशहाली लाई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं और घरेलू हिंसा में कमी आई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं पर पति और उनके परिजनों द्वारा अत्याचार की 1935 घटनाएं साल 2020 में हुई, जो साल 2019 के मुकाबले कम थी। साल 2019 में महिलाओं पर पति और उनके ससुराल वालों द्वारा अत्याचार की 2397 घटनाएं हुई। इसी तरह NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 6,747 महिलाओं को अगवा किया गया, जो साल 2019 के मुकाबले करीब 2300 कम है। हालांकि सच ये है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं में सिर्फ शराब की भूमिका नहीं होती है, इसलिए आपराधिक घटनाओं में कमी को शराबबंदी की कामयाबी मानना अव्यवहारिक है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक बड़ी आबादी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी तो शराब में खर्च होने वाला पैसा अब घर के दूसरे कामों में खर्च हो रहा है, इससे उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। लेकिन हम कुछ मुट्ठीभर कामयाबियों के एवज़ में हो रहे नुकसान की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि शराबबंदी कानून को ईगो का इशू ना बनाकर इसके हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसे इस तरीके से लागू किया जाए कि ये एक बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि उन्हें अपराधी बनाए। क्योंकि जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों की हर लाश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहती है, गरचे अहले शराब हैं हम लोग, ये न समझो खराब हैं हम लोग।